Hello students and welcome to lecture on linear programming. Welcome to NCERT Wallah. Good evening everyone. मेरा नाम है शिवम भार्गव और आज हम इस न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं linear programming. तो आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आप कमेंट्स में लिख के बताइए. वॉइस और वीडियो सिंक कर रही है या नहीं वो भी फटाफट से बेटा. दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म वन. बड़े बड़े महारथी चैप्टर्स आप लोग खत्म कर चुके हो. फंक्शंस, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. और अब ये बुक नंबर 2 का इकलौता चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आ रहा है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग. सब लोग रेडी हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? हैंड में क्या हुआ है? तो आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने लास्ट वीक थोड़ा ज्यादा खेल लिया. हाथ में दर्द हुई, मैं फिर भी नहीं रुका, मैंने वीकेंड पे फिर खेला. तो अब बिल्कुल ऐसा हो गया है वो कि इट पेन्स अ लॉट. बट अभी जैसे होता है ना कि आप लिखते टाइम हाथ ऐसे सीधा चला जाता है, बट व्हेन इट टर्न्स इट पेन्स. तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइट रखने के लिए और गर्म रखने के लिए है उस चीज को. सो ये पेन जो होता है, आई डोंट नो द बायोलॉजिकल टर्म्स, बट ये यहां से शुरू होता है एंड इट गोज टिल द रिस्ट. तो इट पेन्स अ लॉट. और हाँ, कल तो आरसीबी ने भी बहुत दर्द दिया यार. आई नो सीएसके वाले फिर से बच गए इस साल और आरसीबी भी बाहर हो गई, सीएसके फाइनल में भी पहुंच गई. 2 दिन बहुत ही खराब. तो ये वाला चैप्टर बेटा, सी दिस इज लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. देयर विल बी वन मोर लेक्चर ऑन दिस इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स जो नामी प्रॉब्लम्स होती है ना, एलोकेशन प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम्स. तो आज मे बी एक प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आज कर लेंगे. बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सिंस टुडे इज द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा. और आज हम लोग क्वेश्चंस अदरवाइज ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बट वील अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक पूरी की पूरी वील सॉल्व और फिर उसके बाद वील बी डूइंग द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डे आफ्टर टुमारो, ताकि आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म करने का भी टाइम मिल जाए और आप थर्सडे को लीनियर प्रोग्रामिंग अपनी फिनिश कर दोगे. थर्सडे आपका लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे. ठीक है, 2 लेक्चर्स में लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म करेंगे. आज फर्स्ट लेक्चर है, कल आपका सेकेंड लेक्चर होगा, डे आफ्टर टुमारो थर्सडे. डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये चैप्टर. आई वॉज थिंकिंग कि इसमें 1 घंटा कैसे निकाला जाएगा, तो आज हम लोग कुछ बातचीत भी करेंगे बेटा. ठीक है, मेरे को लिखने से भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा. आई विल नॉट राइट मच. आज वैसे ही कुछ बातें करेंगे. आप लोग भी अपने कोई चीज पूछ सकते हो या किसी चीज के रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए. टाइम मैनेजमेंट तो बैकलॉग ये सब तो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं, बट उसके अलावा मैथ्स में कोई टेक्निक या किसी चीज की अगर बात करनी हो तो वील टॉक अबाउट दैट टुडे. ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी आज. ठीक है, चलिए रिवीजन और क्वेश्चंस और ये सब चीजें होती रहेंगी बेटा. फर्स्ट हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म करना है, तो आज हम उस चीज पे ध्यान देंगे. उसके बाद वील स्विच टू दी रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है, जो आपका रिवीजन हो गया, क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यू सीरीज हो गई. आई नो नीड्स खत्म नहीं होती हैं आप लोगों की. ठीक है, आई नो जितने भी लोग मेरे साथ आरसीबी का दुख मना रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, अगले साल कप नामड़े. इस साल अब मैं भी विसल पोड़ भी हो रखा हूं. क्या फायदा चेन्नई को सपोर्ट ना करने का, हर बारी फाइनल में पहुंच जाते हैं यार. वेरी सैड. एनीवेज कैलकुलेशन ट्रिक्स बेटा बचपन में बड़े लोगों के सामने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना ही एक बस इंसेंटिव होता है कैलकुलेशन ट्रिक करने का, वरना इतने बड़े होके कैलकुलेशन ट्रिक सीख के क्या करोगे। वो होता नहीं छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, बेटा जल्दी से बताओ 23 into 66 क्या होता है, 23 into 66 is equal to this, बस तभी तक अच्छी लगती है कैलकुलेशन ट्रिक्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट समझो, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, क्यों क्या किया जाता है, वो सब चीजें काम आती हैं। इस बारी फास्ट करके क्या करोगे कैलकुलेशन, है ना। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग। फटाफट से कमेंट्स करके बताएंगे एक बारी बेटा, सब लोग रेडी हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। आई नो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। LPP और हार्ट, थम्स अप, OP कुछ भी लिख सकते हो। LPP OP, LPP हार्ट, LPP थम्स अप। स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या तुक्के मारने सिखा दो भाई। BCAD कभी पूरे पेपर में अगर कुछ ना आता हो, पूरे पेपर में कुछ भी ना आता हो, तुक्के सिर्फ तभी मारने, और ऐसे इस ऑर्डर में मार देना BCAD, ठीक है। ये तुक्के मारने की टेक्निक मैंने एक अपने दोस्त को बताई थी, मैंने उसको उसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और मेरे से ऐसे एग्जाम से पहले पूछ के गया कि यार कुछ टेक्निक बता दे, तो मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा देख पहला ऑप्शन होता है कि सारे के सारे A या सारे के सारे B मार दो तो ठीक है, उनमें से एक दो सही हो जाते हैं। मैंने कहा देख चांस ही लेना है, अगर स्कोर बहुत बढ़ाना है तो फिर पैटर्न BCAD फॉलो कर लिया। मैंने ऐसे ही उसको बताया था, मतलब इट वाज जस्ट आउट ऑफ जोक। तो उसने जितने क्वेश्चन बच गए थे उनमें ये वाला कर करके लगा दिया, उसके पता नहीं सही हो गए, तो मेरे को भगवान मानता है वो, बताओ। मतलब इन द सेंस कहता है कि हाँ तुझे नॉलेज तो है। मैंने कहा हाँ तू यही समझता रहे जिंदगी भर। और ये मैं लाइव बोल रहा हूँ क्या यूट्यूब पे, कहीं वो सुन ना ले नहीं, बट ठीक है। BCAD ये पैटर्न होता है, ठीक है। तुक्के मारने तो सिखा दिए मैंने। ओके, KVPY के लिए कुछ टिप। KVPY के लिए तो देखो एग्जाम आप लोगों का स्लाइटली इजियर दैन JEE, बट इंटरव्यू अच्छा होता है KVPY का। हम लोगों के टाइम पे तो इंटरव्यू था, अब आई डोंट नो सेकंड एग्जाम आ गया है, इंटरव्यू हट गया है या नहीं, बट KVPY का इंटरव्यू वाज वेरी नाइस। मैंने आई वाज इन एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम लोगों ने इंटरव्यूज, डेमो इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज रखे थे स्टूडेंट्स के, एंड आई रियलाइज कि यस दे आर ग्रिल्ड। KVPY के इंटरव्यू में ग्रिल किया जाता है अच्छे से। चलो डिटर्मिनेंट का एक वीडियो बनाएं। क्यों भाई, डिटर्मिनेंट की वीडियो तो बन रखी है इतनी सारी। इंटरव्यू हट गया है, ओके इंटरव्यू अब। हाँ आई रियलाइज, जब मैंने बताया आपको इंटरव्यू KVPY का अच्छा होता तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि पैटर्न चेंज हुआ था शायद। KVPY के दो सीरीज तो होती है, लेकिन एक एग्जाम होता है, फिर शायद आई डोंट नो काउंसलिंग या कुछ होती होगी, बट गुड ठीक है। बहुत सारी चीजें तुम लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हो, इतनी तेज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बट लेट अस स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग नाउ। लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोगों को पता होनी चाहिए व्हेन वी आर डूइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। अब क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो होता है वो जनरली सब्जेक्टिव में ही 6 नंबर का एक हर बारी आया करता था क्वेश्चन, ऑलवेज, लाइक इट यूज्ड टू बी 6 marks लीनियर प्रोग्रामिंग कन्फर्म्ड। बट नाउ सिंस द पैटर्न हैज चेंज्ड और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या ट्रू फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कभी किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पे ये डेफिनेशंस छोटी छोटी ये सारी काम आ सकती हैं, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाती है, ये लीनियर लिखा हुआ है तो जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उनकी पावर जो होगी दैट विल बी 1, पावर विल बी 1। दैट मींस यू आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशंस ओनली। अब वो 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट सिंस हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं चीजें, वी आर प्लॉटिंग इट ऑन अ ग्राफ। आप लोग जब लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करें बेटा तो डोंट डू इट ऑन अ नोटबुक, अपनी कॉपी में नहीं, आप ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करना, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको यह चीज समझ में आ जाती है कि जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर सिर्फ 1 हो सकती है। नाउ वी डील विद टर्म्स लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? लाइक मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज हैं, आपको घर वालों से 100 रुपए मिले, ठीक है, आपको उन 100 रुपयों से नोटबुक्स खरीदनी थी और पेन्स खरीदने थे, ठीक है, पेन आपने 5 रुपए का खरीदना था, कॉपी आपने 10 रुपीज की खरीदनी थी, बट उनके खरीदने पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक, आपके पास कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई कॉपी पे आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा था, मतलब एमआरपी से ज्यादा का दे रहा था सेलर, और कॉपी पे आपको 4 रुपए का लॉस हो रहा था, कुछ ऐसी चीज आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हो। तो कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट थी कि आपको जो अपना लॉस है उसको मिनिमाइज करना है, यू हैव टू मिनिमाइज योर लॉस। या फिर कभी कोई प्रॉफिट की बात करे तो आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है आपकी, उसको आप मिनिमाइज करोगे। अगर आपको कोई कैलोरीज इनटेक करनी है, डाइट प्रॉब्लम्स आती हैं, यू हैव टू इंक्रीज योर डाइट, तो उसके हिसाब से आपको उसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो ओवरऑल जो भी चीज आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है इन दीज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। आइदर यू हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी एक क्वांटिटी को आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करोगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है आपके पास जैसे मान लो वर्किंग आवर्स हैं, आपको वर्किंग आवर्स मैक्सिमाइज करवाने हैं तो आप करवा सकते हो, बट वर्किंग आवर्स मैक्सिमाइज करवाने में आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स मिलेंगे। भाई हो सकता है कोई एक वर्कर है जिसके मैक्सिमम आपको वर्किंग आवर्स करने थे, वो किसी एक मशीन पे कुछ देर के लिए इन्वॉल्व है, किसी दूसरी मशीन पे कोई और देर के लिए इन्वॉल्व है। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, सेकेंड टर्म जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज कंस्ट्रेंट्स, है ना, कंस्ट्रेंट्स। तो इन्हीं कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक पर्पस बनता है कि हाँ उसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकें। वरना खुद सोच के देखो, अगर 100 रुपए की आपको चीजें खरीदनी थी और एक 5 रुपए की थी, एक 10 रुपए की थी, आपको सबसे ज्यादा चीजें खरीदनी है तो आप ऑटोमेटिकली 5 रुपए की 20 चीजें खरीद लोगे। लेकिन हो सकता है शॉपकीपर के पास 20 आइटम्स हो ही ना उसके, है ना, वहां से उसने एक कंस्ट्रेंट दे दिया आपको। तब आपको यह करना पड़ेगा कि मैं कुछ ये वाली चीजें खरीदूं और कुछ दूसरी वाली चीजें खरीदूं, राइट। तो आपके पास ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करके आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हो। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको उसमें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अरे मेरे हाथ को क्या हुआ वो बाद में करेंगे, हे भगवान। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स को इस प्रॉब्लम में ऐसे देखा जा सकता है कि आपको किस फॉर्म में ये चीजें पूछी जाती हैं। ये देख लो, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मान लो आपको z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 4x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये जो z है ये आपकी क्वांटिटी है टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फिर उसने कहा सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। ये 3 कंडीशंस हैं बेटा आपके पास, दीज 3 आर दी कंडीशंस जो हमें फॉलो करनी है। भाई मेरे को 4x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना था, क्या सर x को इन्फिनिटी डाल दो, y को इन्फिनिटी डाल दो, मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है कि x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50, एक और कंस्ट्रेंट है 3x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 90। 2 और कंस्ट्रेंट्स हैं बेटा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 3 इसके कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इन तीनों को फॉलो करवा के अब जो आपको वैल्यू मिलेंगी x और y की, उनमें से आपको 4x प्लस वाई को मैक्सिमम वैल्यू देनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन गो हैंड इन हैंड। आपको कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछी गई है वो निकालनी है, राइट? ठीक है, तो आपने इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, ग्राफ पेपर पे इन तीनों को आपने प्लॉट किया। एंड सिंस x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, हम ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान के चलेंगे। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर डीलिंग विद x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहां पे ये जो x और y हैं, ये वाला x और ये वाला y, दीज आर नोन एज डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स। मतलब जो आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो डिसीजन जो है कि ये मैक्सिमम होगा या नहीं, वो कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई पे। तो ये दो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक, नाउ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। जब आप इस लाइन को प्लॉट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मन में आएगा कि सर ये लाइन कैसे प्लॉट की जाती है, ये लाइन कैसे प्लॉट की जाती है। तो बेटा आप लोग छोटी सी क्लास से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो और मैं आपको फिर से बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। अगर किसी बच्चे को आता है और उसे ये बोरिंग लगा तो बेटा वो मेरी गलती नहीं, आपके दोस्तों की गलती है। मैं आपको लाइन बिल्कुल टू द पॉइंट कैसे इसको बचपन से हम बनाते आए हैं, मैं पूरा नया फिर से तरीके से सिखाऊंगा। तो आपने क्या किया, पहले इनइक्वालिटी हटाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लाइन को प्लॉट किया। ठीक, आपने x की वैल्यू रखी 50, आपको y की वैल्यू मिली 0। आपने y को रखा 50, आपको x की वैल्यू मिली 0। ये बताओ, क्या मुझे तीसरा डब्बा भरने की जरूरत है? क्या दो पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, क्या मैं दो ही पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता? यस और नो? Can I draw a line using only two points, 50,0 and 0,50? Can I? नाइन्थ में किया था, हाँ। तो दो पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है बेटा। आपने यहां पे पॉइंट लिया 50,0, ठीक है, और यहां पे पॉइंट लिया 0,50, ठीक है, और आपने इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी। यू ड्रॉ अ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब बच्चों के मैसेज आए कि सर इनइक्वालिटी नहीं आती। ठीक है जी, इनइक्वालिटी नहीं आती, वो भी बता देते हैं। देखो, आपसे कहा गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो आपने कहा सर एक बात बताओ, ओरिजिन अगर मैं कंसिडर करूं 0,0, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने कहा यस, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50 होता है ना, 0 is less than equal to 50। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं सर लाइन के इस तरफ रहूंगा, मैं ओरिजिन की तरफ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वही सारे पॉइंट्स चाहिए जो ओरिजिन की तरफ लाई करते हों। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं लाइन की दूसरी डायरेक्शन में जाता। ठीक, यहां पे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने ओरिजिन वाले पॉइंट को कंसिडर किया, वो सेटिस्फाई करेगा तो मैं सारा पॉइंट ओरिजिन की तरफ वाला ही लूंगा। तो बिलो द लाइन। सेकेंड डब्बा बनाया 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 का। और बेटा ये आप लोग मेरे से पहले बना सकते हो, जल्दी जल्दी बनाओ जरा। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, वाई को 0 रखा, x की वैल्यू 30, x को 0 रखा, y की वैल्यू 90 है ना। तो आपके पास y की वैल्यू 90 आई, x की वैल्यू 0, दैट मीन्स यू हैव अ पॉइंट 0,90। ऑल्सो यू हैव अ पॉइंट 30,0 और फिर आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, यू गेट दिस। ठीक है, यू गेट दिस लाइन। ये वाली जो लाइन है, दिस इज 3x + y इज इक्वल टू 90। अब लेस देन इक्वल टू 90 की बात हो रही है, इसका मतलब मैंने फिर से 0,0 पुट किया, वो इसको सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं? 0,0 सैटिस्फाई कर रहा है, यस। तो आप फिर से 0,0 की तरफ ही जाएंगे, 0,0 की तरफ ही जाएंगे। तो अब इन दोनों लाइंस का कॉमन इंटरसेक्शन एरिया देखो। कॉमन इंटरसेक्शन एरिया, व्हाइट लाइन के नीचे येलो लाइन के लेफ्ट पे अगर आपने कॉमन एरिया देखा तो वो आपको ये मिल रहा है। यस और नो लिखना बेटा चैट में। ये आपको फीजिबल रीजन बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज दी फीजिबल रीजन। अच्छा, आप कहोगे कि सर आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आए, बिल्कुल ठीक बात है, आपका पूछना बनता भी है कि सर पीछे भी तो आ सकते थे, और भाई ये वाला रीजन भी तो है सारा का सारा। लेकिन बेटा आई ऑलरेडी केप्ट इन माइंड, जो मेरे को करना नहीं चाहिए था, कि ये जो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखा है, ये इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रखता है। ये जो थर्ड कंस्ट्रेंट्स हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहने को बोलेगा। तो आपने फीजिबल रीजन ये वाला रखा। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। यस, ओके, ये आपके पास फीजिबल रीजन आया। और आप अगर बाउंड्री पॉइंट्स देखो, मतलब इस रीजन के ये बाउंड्री पॉइंट्स आपने मार्क किए, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम वैल्यू? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम वैल्यू? पहली चीज हम लोग ये बात करेंगे कि जितने भी इस रीजन के अंदर या इसके ऊपर पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे फीजिबल सॉल्यूशंस हैं। फीजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। फीजिबल रीजन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को फीजिबल सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर कोई फीजिबल रीजन के बाहर पॉइंट होगा, उसको अनफीजिबल या नॉन फीजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। कोई भी पॉइंट अगर बाहर लाई कर रहा है फीजिबल रीजन के, तो उसको नॉन फीजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक, या अनफीजिबल भी हो सकता है, पता नहीं, इंग्लिश वर्ड है, चेक कर लेना एक बारी, ठीक है ना। तो फीजिबल सॉल्यूशन वो हुए जो फीजिबल रीजन में लाए कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप इस रीजन को ड्रॉ कर पा रहे हो और ये एक फाइनाइट रीजन है, तो इसे कहा जाता है बाउंडेड रीजन। इसे कहा जाता है बाउंडेड रीजन अगर इसकी सारी बाउंड्रीज आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहां पे आपके पास ये एक बाउंडेड रीजन है, ये एक बाउंडेड रीजन है। यस, तो बाउंडेड रीजन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती है। बट अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन हुआ, तो हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, मिनिमम ना एग्जिस्ट करती हो। ऐसा हो सकता है उसकी मिनिमम एग्जिस्ट करती हो, मैक्सिमम एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक। तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 4x + y को मैक्सिमाइज करना। 4x + y को मैक्सिमाइज करना। तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी टू to check the values of z at corner points. To check the value of z at corner points. तो जो आपका feasible region है उसके जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब कि जिन पॉइंट से आपका फीजिबल रीजन बन रहा है, तो बेटा यहां पे ये 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? एक है 0,0, एक है 30,0, एक आपके पास पॉइंट है 0,50 और एक ये वाला पॉइंट है बेटा जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपने z की वैल्यू चेक करनी है, z = 4x + y। सबसे पहले 0,0, फिर एक 30,0, फिर एक 0,50 और एक फोर्थ पॉइंट बचा है बेटा अभी। यू हैव अ फोर्थ पॉइंट रिमेनिंग। कैसे निकालोगे वो? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट पॉइंट? आपने x + y = 50 और 3x + y = 90 को सॉल्व करना है। x + y = 50 एंड 3x + y = 90, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या मिलता है हमें? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशंस को माइनस कर दिया। आपके पास y से y कैंसिल आउट हो गया, यू गेट 2x = 40 और x = 20। x will be equal to 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो y will be equal to 30। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 20,30। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बच्चों लोगों ने आंसर कर भी दिया है। डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड एंड फीजिबल रीजन, बेटा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। फीजिबल रीजन हो गया शेडेड पोर्शन, बाउंडेड हो गया कि वो बाउंडेड है या नहीं। फीजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फीजिबल रीजन कैन बी अनबाउंडेड एज वेल, वो दोनों ऐसा नहीं है कि सेम चीजें ही बताती हैं, इट इज समथिंग एल्स। यस, स्लेयर टू स्टडी बता दिया बेटा मैंने, अब कॉपी पेस्ट करना बंद कर दे। ओके, चलो। तो 0,0 पे z की वैल्यू कितनी आई? 0। 30,0 पे कितनी आई? 120। 0,50 पे कितनी आई? 50। 20,30 पे कितनी आई? 110। तो आपको z को मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज किस पे मिली वैल्यू? 30,0 पे, 30,0 पे। गॉट इट? तो 30,0 इज द सॉल्यूशन टू मैक्सिमाइज z = 4x + y। और आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर जो हम मैथ्स पढ़ते हैं 11th-12th में, उसका एप्लीकेशन कहां पे आता है? तो ये एक चैप्टर है जिसकी सीधी एप्लीकेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन में देखी है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली अप्लाइड इन योर B.Tech कोर्सेज, जब आप लोग पढ़ते हो। मेरी ब्रांच में एटलीस्ट यस, बाकियों में पता नहीं। मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल में तो करते ही है, बाकियों में होता है नहीं होता, आई डोंट नो। नेटवर्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चैप्टर होता था, उसमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ती थी। तो यस, जो हम मैथ्स पढ़ते हैं उसका आगे एप्लीकेशन है। और ये तो वैसे भी इट इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक सोर्स बेटा। इकोनॉमिक्स में जब भी आप कभी डील करते हो कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो, कि आप कितनी चीजें प्रोड्यूस करो ताकि आपकी इन्वेंट्री कम लगे, अगर इफ यू कैन रिलेट टू दीज वर्ड्स, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की काफी हेल्प ली जाती है। ठीक, तो अगर ये सब चीजें आपको सुनने में अच्छी लग रही हैं तो एक बारी लीनियर प्रोग्रामिंग LPPOP लिख दो बेटा। इट इज अ वेरी गुड चैप्टर, ईजी है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज नॉट टफ, लेकिन रियल लाइफ में आगे चल के भी इस चैप्टर में आपको बहुत मजे आने वाले हैं। जिन बच्चों को MBBS करनी है बेटा वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, इससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसके बाद कराओगे? हाँ बेटा, इसके बाद ही करवा सकते हैं, और कैसे करवाऊंगा। हाथ में बेटा चोट लग गई थी, बार बार मत पूछो यार, बस बहुत हो गया ना, इट्स ओके। बहुत सही, यस इस चैप्टर से कॉमर्स में भी काफी हेल्प मिलती है। यस गुड नहीं लिखा, ओके ये चीज क्लियर हो गई ना। तो आपके पास जो सोल्यूशन आया टू दिस प्रॉब्लम वाज x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब इसमें एक अनबाउंडेड का भी एग्जांपल ले लें क्या? एक मिनट रुकना जरा, अनबाउंडेड का कोई सा एग्जांपल। लिखिए एक बारी, एनसीईआरटी टू द रेस्क्यू। क्वेश्चन है डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y प्लस 20y। इसको आपको मिनिमाइज करना है बेटा, मिनिमाइज। अब ऐसी लिखो चाहे जेड ही लिखो, सेम बात है इंग्लिश और ब्रिटेन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में, तो डोंट से कि स्पेलिंग गलत है। सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स जो है इसके दे आर 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओरिजिन से बिल्कुल लाइन पास हो सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस द लाइन कैन पास थ्रू द ओरिजिन एज वेल। उस केस में अगर आपको इनइक्वालिटी देखनी हो तो आप जैसे 2,0 या 3,0 सैटिस्फाई करवा के देख लो, अगर वो सैटिस्फाई करता होगा तो उस साइड वाला ले लो पोर्शन, अदरवाइज दूसरा। एंड अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं नेक्स्ट में एक आपको इक्वेशन लिख के इनइक्वालिटी निकालनी सिखा दूंगा अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो। फिलहाल आपके पास ये चार कंस्ट्रेंट्स हैं और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -50x प्लस 20y। इसे आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। ठीक है, ओके। तो एलपीपी एनसीईआरटी बेस्ड ही हो सकता है, एलपीपी और किसी सिलेबस में तो है नहीं, है ना। तो आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एलपीपी पढ़ रहे हो तो आपने एलपीपी को फिनिश ही कर दिया, ये समझ लो। ओके, सबसे पहले चौथा कंस्ट्रेंट देख लो आप, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, that means it is talking only about the first quadrant. It is talking only about the first quadrant. ठीक है, अच्छा पहले कंस्ट्रेंट पे आए, 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू -5। आपने x को 0 पुट किया, आपके पास लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, एक्स को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 5। आपने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आई -5/2। आपने y को 0 पुट किया, आपको x की वैल्यू मिली -5/2। तो -2.5 कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे रहा होगा और 5,0 यहां पे है, तो ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, पीछे आ जाएगा ये -5/2 पे, अदरवाइज दिस लाइन विल बी लाइक दिस। ठीक, अब वो कह रहा है दैट 2x माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू -5, ग्रेटर दैन इक्वल टू -5। तो आपने ओरिजिन सेटिस्फाई करवाया, 0 - 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -5, दिस इज ट्रू। दैट मीन्स आप लाइन के इस तरफ की बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, लाइन के नीचे ओरिजिन की तरफ, पीछे नहीं जा रहे आप, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। आप सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और ये वाला पॉइंट आपके पास 0,5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, दैट मींस आप इस लाइन के इधर हो, तो आप अभी तक इस बाउंड्री से डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देन द सेकंड कंस्ट्रेंट 3x plus y greater than equal to 3, 3x plus y greater than equal to 3। आपने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आई 3। आपने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आई 1। y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू इज 1। तो आपके पास ये लाइन आ गई, ठीक है ना। नाउ 3x plus y is greater than equal to 3। आपने ओरिजिन पुट किया, 0 plus 0 greater than equal to 3, तो 0 greater than equal to 3 तो नहीं होता। इसका मतलब आप ओरिजिन वाली साइड ना लेके ओरिजिन से दूसरी वाली साइड लेंगे, ओरिजिन से दूसरी वाली साइड, ठीक। तो आपके पास अब आफ्टर द सेकंड कंस्ट्रेंट, आफ्टर द सेकंड कंस्ट्रेंट ये रीजन आ गया बेटा, ठीक है। After the second constraint you have this region, ठीक। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाओ जरा, 2x minus 3y less than equal to 12, 2x minus 3y is equal to 12। x y, x को 0 रखा, y की वैल्यू -4, y को 0 रखा, x की वैल्यू 6, ठीक है। ये वाला पॉइंट था आपके पास 1,0, दिस पॉइंट वाज 0,3। अब आपके पास पॉइंट्स डील हो रहे हैं 6,0 एंड -0,-4। तो आपके पास ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, दिस विल बी 6,0, ठीक है। और ओरिजिन पुट करोगे तो 0 - 0 is less than equal to 12, ट्रू। दैट मींस आप ओरिजिन वाली साइड लेंगे बेटा, ओरिजिन वाली साइड। That means आप इस लाइन के ऊपर हैं। तो देखना अब आपके पास जो फीजिबल रीजन आया वो क्या आ गया, ये लाइन आप इसको रब कर सकते हो, जो आपके पास फीजिबल रीजन आएगा दैट विल बी दिस, और ये पूरा का पूरा लाइक दिस एंटायर रीजन, दिस एंटायर रीजन विल बी योर फीजिबल रीजन। ये सारा का सारा रीजन आपका फीजिबल रीजन होगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा रीजन आपका फीजिबल रीजन है। नाउ इट इज अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। समझो, बच्चे ने पूछा था ना कि सर फीजिबल रीजन और अनबाउंडेड में डिफरेंस क्या होता है। तो ये शेडेड रीजन फीजिबल रीजन है, लेकिन ये साथ के साथ अनबाउंडेड रीजन भी है, ये अनबाउंडेड रीजन भी है, ठीक। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप मार्क करें तो क्रिटिकल पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये आपके पास 0,5, दिस इज 0,3, दिस इज 1,0, दिस इज 6,0, दिस इज 6,0। उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट नहीं निकाल सकते, सारे के सारे ये फीजिबल पॉइंट्स ही होंगे बाकी के, है ना। सारे के सारे फीजिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कॉर्नर पॉइंट आपके पास और कोई नहीं है। तो यू विल चेक द वैल्यू ऑफ -50x + 20y एट दीज 4 पॉइंट्स। और आप देखो, अगर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो बाकी सब पे वैल्यू मैक्सिमम ही मिल रही होगी, ठीक। यस और नो, व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स, व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेटा वो इक्वेशंस हैं जो आपके x और y को लिमिट करती हैं। भाई आप ऐसा नहीं है -50x + 20y को x और y अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं ले सकते। आपको x और y इसके हिसाब से लेने पड़ेंगे, इन सारी चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए x एंड y, तभी आप ले सकते हैं। तो वही आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये चार ही आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं। मैथ्स की क्लास हो रही है क्या? हाँ बेटा, ड्राइंग्स ही बना रहा हूं, मैथ्स की है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। आप 0,5 पे वैल्यू चेक करोगे, इट विल बी 100 एट 0,5। इफ यू चेक, इस पॉइंट पे वैल्यू होगी 100। 0.3 पे इट विल बी 60, 0.3 पे इट विल बी 60, 1.0 पे 1.0 इट इज -50 और 6.0 पे इट इज -300। तो आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो -300 मिल जाएगी बेटा। द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी -300। इज दिस क्वेश्चन क्लियर बेटा? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड। रुद्रांश, अल्पना, जनंदन, रुद्रांश, अच्छा रिपीट हो गया समझ गया। यस बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ओनली। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बेटा अनबाउंडेड है, तो जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम निकाल पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम निकाल पाना इस केस में पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट इज एन अनबाउंडेड रीजन। अगर बाउंडेड होता तो हम जरूर निकाल सकते हैं दोनों, मैक्सिमम और मिनिमम, बट जब अनबाउंडेड होता है तो वी कैन फाइंड आउट आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ये आईआईटी में नहीं है बेटा। ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, नाइस। चलिए, तो इसके बाद एक बच्चों ने जो भी रिक्वेस्ट रखी थी कि सर अगर मान लो कंस्ट्रेंट ही y = x से पास करता हो तब क्या करेंगे, व्हाट विल बी दी फीजिबल रीजन। क्वेश्चन अपने आप से फॉर्मुलेट करते हैं। कंस्ट्रेंट्स लिख लेते हैं पहले, एक मिनट रुक जाओ। कंस्ट्रेंट्स कैन बी x + y < < 3, y < x, x > 0, y > 0, और आपको z रखना है 2x + 4y। आपको इस z को मैक्सिमाइज करना है, आपको इस z को मैक्सिमाइज करना है गिवन द कंस्ट्रेंट x + y < <3, y < (x and x > 0, y < (0। ठीक, आपने x और y एक्सिस ड्रॉ करी एंड यू नो दैट सिंस x > 0, y > 0। अच्छा, बच्चे पूछते हैं सर नेगेटिव क्यों नहीं होता। बेटा देखो, जनरली दिस लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आप x और y डिसीजन वेरिएबल्स जो रखते हो ये मोस्टली नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर अमाउंट, ये सब चीजें होती हैं, तो ये कभी नेगेटिव में नहीं काउंट करते। x एंड y आर जनरली ऑब्जेक्ट्स, तो काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए वो x को > 0 ही रखा जाता है। कभी मार्केट से -3 पेन लेने नहीं गए ना, हमेशा कोई एक > 0 नंबर ही होगा, इसीलिए। चलो, तो पहला कंस्ट्रेंट प्लॉट किया x + y < <3। तो आपने x + y = 3 लाइन ड्रॉ करी। दिस पॉइंट इज 3,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,3। आपने कहा x + y < <3। तो जो इसका फीजिबल रीजन आएगा दैट विल बी बिलो द लाइन। क्यों? क्योंकि ओरिजिन इसको सैटिस्फाई करेगा। यस अच्छा, सेकेंड देखना बेटा, y = x और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज y - x < (0। ठीक, आपने इस लाइन को प्लॉट किया तो यू नो दिस दिस इज अ लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंगल टू बोथ द x एंड द y एक्सिस, राइट। बात यह है कि इनइक्वालिटी कैसे ली जाए सर, क्योंकि 0,0 तो अब लाइन पे ही लाया करता है, तो उसको तो चेक कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या करो बेटा, आप x एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो 3,0 ही ले लिया, यू कंसिडर 3,0। आपने 3,0 इसमें पुट किया, 0 - 3 is < 0। तो -3 लेस देन इक्वल टू 0, इट इज ट्रू। अगर -3 लेस देन इक्वल टू 0 है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। क्यों? क्योंकि 3,0 इसको सैटिस्फाई कर रहा है ना। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो आप ओरिजिन के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो जिसके बारे में आप श्योर हो कि वो इसी साइड पे लाई करेगा। मतलब ऐसा मत करना, जैसे ये तो y इक्वल टू x लाइन थी, आपने कहा कि यार मैं 1,2 ले लेता हूं, तो आई नो 1,2 भी आप समझ जाओगे कि कहां पे लाई करेगा, बट फिर भी आप 3,0 4,0 या फिर 0,5 0,6 कोई भी पॉइंट ले लो, आपको पता है वो लाइन के ऊपर लाई करेगा, है ना। तो आपने इस लाइन के नीचे की बात करी, ग्रीन वाली लाइन के इस तरफ की बात करी, तो आपके पास जो फेवरेबल रीजन आया, फीजिबल रीजन, वो आपके पास ये आ गया। फीजिबल रीजन आपके पास ये वाला आ गया। नाउ दिस इज द बाउंडेड रीजन एज वेल एज दिस इज योर फीजिबल रीजन। ये पॉइंट आपके पास 0,0 है, ये पॉइंट आपके पास 3/2, 3/2 है, और ये पॉइंट आपके पास 3,0 है। इन तीनों वैल्यूज पे 2x + 4y की वैल्यू चेक करो, यू कैन मैक्सिमाइज इट। ठीक है, 0,0 पे वैल्यू 0 मिलेगी, 3,0 पे वैल्यू 6 मिलेगी, और 3/2, 3/2 पे वैल्यू कितनी, 3 + 6 9, तो मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है। आया किसी का? ये आया क्या किसी का? 9 आएगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू। The maximum value in this question 2x + 4y की maximum value will be 9। y - x, अरे बेटा y less than equal to x है, तो अगर x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो y - x less than equal to 0 आएगा, है ना। गुड। 3/2 कैसे लिया? 3/2 कैसे लिया? अरे यार थोड़ा सा, अब मेरे को तो बोलते हो कि फास्ट चलो थोड़ा। ये बताओ x + y = 3 और y = x, तो y को x डालोगे तो 2x = 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ओके देखो 3/2, 3/2 मैंने बहुत तेजी में लिखा, और मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी, बट बेटा आप लोग भी ना ये चीज थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो। देखो ये वाली लाइन आपके पास थी x + y = 3, और ये लाइन थी y = x, है ना। लेस देन इक्वल टू बाद में किया ना, पहले तो y = x, तो अगर y = x रख दोगे तो 2x = 3, तो x की वैल्यू 3/2, और क्योंकि y = x है तो 0.3/2, 3/2 होगा। तो बेटा ये मतलब आना चाहिए, आप भी एकदम से इसको 3/2, 3/2 आपको लिखना चाहिए था, इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। गुड। हाँ, अनबाउंडेड सिलेबस में नहीं है, आई नो, बट एनसीईआरटी में है, और ये चैनल एनसीईआरटी वाला है, सीबीएसई वाला नहीं है। ये मैंने बहुत पहले बताया था जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, मुझे मालूम था कि तुम लोग ये चीज करोगे। ठीक है, बीबी की वाइंस डिवाइडेड बाय बीबी की वाइंस, बेटा 1 होता है हमारे लिए, तो ये 1 है। ये लिख रहा है बीबी की वाइंस / बीबी की वाइंस, तो वो तो 1 होगा, कैंसिल आउट कर दे सबको। चलो, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, मतलब आगे चल के हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, लाइक इन दी कमिंग लेक्चर्स। मैं सोच रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन आपको आज करवा दूं, सिंस उसका क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं इधर तो लिख नहीं पाया, बट अभी साथ साथ डिक्टेट कर करके क्वेश्चन बोलूंगा, साथ में लिखता भी रहूंगा, तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखते रहना। व्हाट वी हैव टू स्टडी, 4 टाइप की प्रॉब्लम्स तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर करके दी हुई है, और इन्हीं में से वो क्वेश्चंस पूछते भी हैं। यस, कभी कभी लैंग्वेज चेंज की जाती है बट उसका कॉन्सेप्ट वही रहता है बेटा, ठीक है, कि इतना खाना वो दिन में खाता था, उसमें कैलोरीज इतनी थी, उसमें विटामिन इतना था, vitamins were of this quantity. You see, English changes. हम लोग विटामिन बोलते हैं, विटामिन ए विटामिन बी, ठीक है। तो अगेन विटामिन ए विटामिन सी की क्वांटिटी दे रखी है मान लो, या फिर कैल्शियम दे रखा है, तो उसको हमें बैलेंस इस तरीके से करना होता है कि हमारी डाइट प्रॉपर रहे। तो डाइट प्रॉब्लम में हम लोग वो चीज पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में व्हाट वी स्टडी इज कि एक मशीन पे टाइम इतना लगता है, दूसरे मशीन पे इतना टाइम लगता है, तो एक टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है, फिर एक आपका लेबर का कंस्टेंट हो जाता है कि एक लेबर 8 घंटे इस प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं और 6 घंटे इस प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। मान लो वो 2 प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया कि कितना कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है। फिर एलोकेशन प्रॉब्लम्स, जैसे आप लोग कई लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड में फार्मर्स भी होंगे, ठीक है। आप एलोकेशन प्रॉब्लम्स कैसे हेल्प करती है कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, अब आपके रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, ओके। तो एलोकेशन प्रॉब्लम कब काम आती है, जब आपके पास एक मान लो लैंड है और आपको उसमें 2 क्रॉप्स उगानी है, 2 क्रॉप्स उगानी है, और आपको पता है कि जैसे व्हीट और, अब मेरे को देखो इतना आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली हम लोग ग्रो कर सकते हैं, बट मान लो ए और बी 2 क्रॉप्स हैं, ए और बी को आपने कुछ कुछ लैंड एलोकेट करी, फिर आपको ये मालूम है कि ए को इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी पानी की और बी को इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन उतना पानी आपके पास नहीं है, तो वो एक कंस्ट्रेंट हो गया। तो आपको क्रॉप्स पे प्रॉफिट पता है कि एमएसपी का तो बहुत इश्यू चल रहा है आजकल, बट है ना, तो एमएसपी के ऊपर तो मिलने से रहा, वरना इतने आपको एक क्रॉप पे प्रॉफिट होगा, दूसरी जो क्रॉप है उस पर कुछ प्रॉफिट होगा, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन आज हम लोग कर लेते हैं। लेट अस स्टडी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टुडे, कि ये कैसे होता है, क्या होता है। वी विल स्टडी दिस व्हीट एंड मस्टर्ड, मेज एंड कुकम्बर। ओके, थैंक यू। बेटा जो अगर फार्मर्स के खिलाफ कुछ लिखेगा तो वो बहुत गलत बात है, डोंट डू दैट, ठीक है। ये सब टॉलरेट नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। इफ यू डोंट सिंक्रनाइज विद देम, डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट देम, प्लीज। बाकी हाँ, बाकी जो बच्चे कह रहे दंगे करवाओगे क्या, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। एमएसपी के ऊपर तो नहीं मिलता ना यार, एमएसपी के ऊपर तो देने की बात ही नहीं हो रही, वो तो कह रहे कम से कम एमएसपी तो दो। तो वो तो चीजें चलो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है कॉन्ट्रोवर्शियल। आई हैव फ्रेंड्स जिन लोगों ने मतलब सारी लाइफ सिचुएशंस मेरे साथ तो एटलीस्ट डिस्कस की हुई है, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो है, तो इसलिए मैंने अभी कुछ गलत नहीं बोला, आई नो दैट। बट हाँ, नोबडी विल कमेंट अगेंस्ट एनीवन, वो नहीं होना चाहिए, ठीक। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्वेश्चन इस तरीके से है कि देयर आर 2 फैक्ट्रीज। इफ यू पीपल कैन स्विच ऑन योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11, तो आई विल राइट दी प्रॉब्लम इन ब्रीफ। पूरा प्रॉब्लम लिखूंगा तो 2-1 स्क्रीन ऐसी भर जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन समझते रहेंगे साथ साथ और फिर सॉल्व भी करेंगे साथ साथ। देखो, there are 2 factories located, one at place P and the other at place Q. एक फैक्ट्री P प्लेस पे है, दूसरी फैक्ट्री Q प्लेस पे है, ठीक। वो कहता है फ्रॉम दीज लोकेशंस, P और Q फैक्ट्री से, फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोज। मतलब 2 फैक्ट्रीज में चीजें मान लो मैन्युफैक्चर हुई और वहां से 3 डिपोज हैं, गोडाउन्स बोल सकते हो, डिपोज बोल सकते हो, वहां पे आपको जो कमोडिटीज बन रही हैं पी और क्यू में, उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ए बी एंड सी आर थ्री, कुछ भी नाम दे दो, वेयर हाउसेज नाम दे दो, गोडाउन्स नाम दे दो, इन्होंने डिपोज लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नाउ द वीकली रिक्वायरमेंट्स, एक हफ्ते की जरूरतें लिखी हुई हैं 5, 5 एंड 4। मतलब ए को एक हफ्ते में 5 कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट है, बी वाले को 5 और सी वाले को 4। ठीक है, ए को 5 मिल जाए चलेगा, बी को 5 मिल जाए चलेगा, सी को 4 मिल जाए चलेगा। कहां से मिलेंगी ये 14 आइटम्स? पी और क्यू से, पी और क्यू से। नाउ The production capacity of the factories, production capacity of the factories at P and Q are 8 and 6 units respectively. मतलब ये कि जो P फैक्ट्री है वो 8 ऑब्जेक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और Q जो फैक्ट्री है वो 6 ऑब्जेक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इन 8 और 6 14 में से आपको 14 कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है 5, 5, 4 में, 5, 5, 4 में। ठीक, ओके। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। तो इज गिवन बिलो में उन्होंने पी और क्यू से ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट लिखी है टू ए बी एंड सी। तो पी से ए जाने की कॉस्ट लिखी है 160, पी से बी जाने की कॉस्ट लिखी है 100 और P से C जाने की कॉस्ट लिखी है 150। देन Q टू A जाने की कॉस्ट लिखी है 100, Q से B जाने की 120 और Q से C जाने की 100। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बेटा। एक ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसको A पे छोड़ के आना है। अगर आप P से A जा रहे हो तो 160 रुपए लगेंगे, अगर आप Q से A जा रहे हो तो आपको 100 रुपए लगेंगे। ठीक, अच्छा। Now, how many units should be transported from each factory to each depot? मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि 8 और 6 में से कितने कितने ऑब्जेक्ट्स किस किस के पास जाएं, so that the transportation cost is minimum। भाई सारे अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमम ही तो करेंगे, है ना। तो अब देखो इसका रियल लाइफ में कितना एग्जाम्पल है। तुम लोग बैठे सारे के सारे एकदम रहीज, है ना, 2-2 तुम्हारे कारखाने हैं बड़े बड़े और 3 हम जैसे छोटे छोटे लोग हैं जहां पे जिनके पास तुम लोग वो चीजें डिलीवर करते हो, है ना। तुम लोग मैन्युफैक्चरर, हम लोग कंज्यूमर। तो तुम्हारे पास 2 मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं पी और क्यू, और मुझे मान लो 3 मेरे 3 नहीं होंगे, तुम लोग मेरे पे चढ़ जाओगे। ए बी और सी आपके 3 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो एक आपकी दुकान हो गई पी और क्यू हो गई आपके चचा की दुकान। तो अब आप खुद और चचा में एक डील कर सकते हो कि देखो भैया ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करनी है मिनिमम। तो ज्यादा लालच नहीं करेंगे कि तुम कितना बेचोगे हम कितना बेचेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए तुम इतना बेचो, हम इतना बेचते हैं, हम ए बी और सी में इतना इतना देंगे, तुम ए बी सी में इतना इतना दे देना। है ना रियल लाइफ, है ना रियल लाइफ एप्लीकेशन। मजा आ जाएगा। ठीक, ओके। तो देखना कैसे शुरुआत करोगे इसकी। आपने मान लो पी से ए में x आइटम्स भेजे, वेरिएबल्स तो लेने ही पड़ेंगे, और आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट प्लेन में अपना ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स रखेंगे, ठीक है। तो P से A जाने के X, P से B जाने के Y। तो अब सर P से C जाने के Z लेने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास 8 थे टोटल, इसने X और Y अगर निकाल दिए तो तीसरे के पास ये 8 - X - Y भेजेगा। P जो है, जो आपका कारखाना है, वहां से आप 1 को X, 1 को Y और 1 को 8 - X - Y भेजोगे। नाउ चचा के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? यहां अगर x है तो इधर से कितने जाएंगे? 5 - x। भाई उसको 5 की जरूरत है, चचा ये थोड़ी कहेगा मेरे तो 6 बन रहे हैं, मैं तो 6 के 6 A को दूंगा, A कहेगा मेरे को इतने चाहिए ही नहीं। यही तो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, कि A को 5 की रिक्वायरमेंट थी, उसको x यहां से मिल गए तो यहां से उसे 5 - x ही लेने हैं। सिमिलरली यहां y मिल गए तो q से यहां पे y ही जाएंगे, है ना। अच्छा यहां पे कितने जाएंगे बेटा, ओप्स दिस विल बी 5 - y, वहां अगर y है तो यहां पे 5 - y। नाउ यहां से यहां कितने जाएंगे बेटा, q से c। देखो या तो आप 6 में से इसे माइनस कर दो इन दोनों के सम को, या फिर ये देख लो कि इसको 8 - x - y मिल चुके, चाहिए थे इसे 4, तो कितने बचे 4 - 8 - x - y। दैट मीन्स x + y - 4, x + y - 4। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो देखना आपको 6 ही मिलेंगे बेटा, 6 ही मिलेंगे। कह रहा चचा गाली देगा, नहीं नहीं चचा के बाद 6 ही बनते थे बेटा और उसके 6 निकल गए हैं, ठीक है। चचा कोई गाली नहीं देगा भाई, चचा को बोलो 6 से 8 पे आए तब बात करें। अभी हमारे पास 8 हैं और चचा के पास 6 हैं। ओके तो हाँ जी, तो ये हो गए आपके पास हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विच वेयरहाउस टू विच डिपो, ठीक है, या इनफैक्ट टू विच, फ्रॉम विच फैक्ट्री टू विच डिपो। ओके अब आती है बारी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मस्ट बी मिनिमम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मस्ट बी मिनिमम। तो देखना बेटा z विल बी इक्वल टू P से A, x ऑब्जेक्ट्स गए, कितनी कॉस्ट 160 × x प्लस एक ऑब्जेक्ट की अगर 160 थी तो x ऑब्जेक्ट्स की 160x होगी। फिर P से B 100 + 100y प्लस P से C जाने की 150, दैट मीन्स 150 × 8 - x - y प्लस प्लस Q से A जाने की कितनी 100, तो 100 × 5 - x प्लस Q से B जाने की 5 - y × 120, 120 × 5 - y प्लस Q से C जाने की कॉस्ट 100, तो 100 × x + y - 4, x + y - 4। Overall if you solve this you will get the objective function of this problem। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या बेटा, राइट सीसी ओपी थम्स अप। यस बेटा, लीनियर रिग्रेशन इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू दिस, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट प्राइमरीली यही इसी की जगह दिया हुआ है। सुमित चौधरी एक बारी बेटा लेक्चर आप जैसे खत्म होने के बाद स्टार्टिंग से देखोगे, आई होप आपको वो चीज और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। आप हो सकता है बीच में आए होगे इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें इतनी मैंने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी बेसिक। और ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 से मैंने एज इट इज रीड करके लिखा है, तो अगेन देयर इज नथिंग न्यू। अच्छा ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखेंगे सर, व्हाट विल बी दी कंस्ट्रेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, भाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब x मस्ट बी > 0। ये हो सकता है कि p से a में एक भी ऑब्जेक्ट ना जाए तो =0 आएगा, है ना। सिमिलरली सेकेंड कंस्ट्रेंट y will be > 0 ऑब्वियसली, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी। फिर उसके बाद थर्ड, अरे कीप स्माइलिंग, थर्ड 8 - x - y मस्ट बी > 0, 8 - x - y मस्ट बी > 0, विच इंप्लाइज x + y < 8। यह आपका थर्ड कंस्ट्रेंट हो गया। फिर उसके बाद 5 - x must be > 0, 5 - x must be > 0, that means x must be < 0 5. X must be less than equal to 5. Fourth, 5 minus y must be greater than equal to 0. This implies y must be less than equal to 5. है ना? फिर उसके बाद x plus y minus 4 must be greater than equal to 0. This implies x plus y greater than equal to 4. x plus y must be greater than equal to 4. तो आपके पास ये चार और एक ये पूरा का पूरा एज अ कलेक्टिव 5 कंस्ट्रेंट्स हैं. यू हैव 5 कंस्ट्रेंट्स, 5 कंस्ट्रेंट्स आपके पास 5 कंस्ट्रेंट्स हैं. यू हैव 5 कंस्ट्रेंट्स. तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट किया. मैं आता हूं कुछ सोचते सोचते तुम्हारी चार्ट पढ़ने के लिए, और कुछ भी लिख देते हो यार तुम लोग. तो पहला कंस्ट्रेंट आपको यही कहता है कि x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, that means you are in the first quadrant. Second आपको बोलता है x plus y less than equal to 8. तो ये पॉइंट आपके पास 0,8, ये पॉइंट आपके पास 8,0 और आप नीचे वाले एरिया की बात कर रहे हैं. ठीक. सेकंड, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5. तो आपने x इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ करी और आपका x लेस देन इक्वल टू 5 है, दैट मींस यू आर टुवर्ड्स दी लेफ्ट. फिर आपने y लेस देन इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ करी, तो आपने y लेस देन इक्वल टू 5 ड्रॉ किया, तो आपको इस तरीके से नीचे का पोर्शन ये वाला मिलेगा. ये पॉइंट आपके पास 0,5 है, ये पॉइंट आपके पास 5,0 है. आप चेक कर सकते हो, ये वाला पॉइंट आपके पास 5,5 आएगा और ये वाला पॉइंट आपके पास 5,3 आएगा, ये पॉइंट आपके पास 3,5 आएगा. ठीक. फिर उसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इस तरीके का आ गया. ठीक है. और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, मतलब आप उस तरफ जा रहे हो, दूसरी तरफ, ओरिजिन से दूर. तो आपका जो फेवरेबल रीजन आया, फेवरेबल रीजन, फीजिबल रीजन, वो आपके पास ये 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 आएगा बेटा. दिस विल बी योर फेवरेबल या फीजिबल रीजन. This will be your feasible region. ये वाला पॉइंट आपके पास 4,0 है और ये वाला पॉइंट आपके पास 0,4 है. तो यू हैव 6 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इन 6 पॉइंट्स में से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे x और y की, and you will get the minimum cost corresponding to one of the points. वही आपके पास solution हो जाएगा जो आपको आंसर करना है. अच्छा, मुझे लगा एक बच्चे ने लिखा कि इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर दिया जाएगा क्या. मुझे ऐसा फील हुआ कि सर इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर दे दो. मैं मतलब स्क्रीन पे ग्राफ पेपर बना के दे देता, ये अपने कॉपी पेन से ना, अपने पेन से, मोबाइल पे ही बना देता ये ग्राफ. ग्राफ पेपर दिया जाना चाहिए बेटा, अगर एग्जाम में होगा तो दे देंगे, नहीं तो अगर घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो अपनी ग्राफ कॉपी पे खुद बना लेना. प्रैक्टिस पहले घर से करके जाना, उसके बाद एग्जाम में मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, क्या कर सकते हैं, है ना. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सारे के सारे ग्राफ पेपर पे डायरेक्टली दिख जाते हैं अगर आप लाइन ढंग से प्लॉट करो. कॉपी में बनाओगे तो भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है. ठीक है. नहीं, नेक्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन पे अभी नहीं होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ये सब. आज ट्रांसपोर्टेशन किया था क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है, तो कई बच्चों ने ये नहीं किया होता है, बाकी के कर रखे होते हैं, तो मैंने इसलिए आज ट्रांसपोर्टेशन पिक कर लिया. बाकी के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे ध्यान दीजिए, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस, ये सारे चैप्टर्स अच्छे इंटरेस्टिंग स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगा, आप 3-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कर लो। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर लैंग्वेज चेंज की गई है तो आपको उसी टाइम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है ना। पहले से ऐसा नहीं होगा कि देखा दिखाया क्वेश्चन आ गया। कॉन्सेप्ट सेम होगा, सेम ही इक्वेशंस बनानी होंगी, सेम आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखे होंगे। जस्ट प्लॉट दी कंस्ट्रेंट्स नाइसली, वैल्यूज निकालो पॉइंट्स की और उन पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। और ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, कीप स्टडिंग। क्या बोलूं और तो बहुत बोल चुका हूं, कितनी बारी तो तुम्हें बोल दिया। कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट। समझ जाया करो। अब मैं ऐसे कर दिया करूंगा। ओके, सी यू सून, बाय बाय।